परेशानी है, कोई निकल नहीं पा रहा है। और विधायक हैं सतपाल सिंह, उनको 10 साल हो गए अभी तक गांव के अंदर नहीं आए। और जो कन्हैया है कठेरिया, वो भी नहीं इधर आया, बिल्कुल प्रधान वो भी नहीं आया देखने के लिए। बरात घर है, आगे रोड है, ये खरंजा है, कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप लोग बहिष्कार कर दिए थे? हाँ, इसी वजह से किया था। मलेरिया और डेंगू ये बीमारियाँ होती हैं कीचड़ की वजह से, इसके लिए बहिष्कार किया गया था। बोटक जय लला जय खरंजा है जो डरे, हमारे बड़े बूढ़े भी अंधे बैठे हैंगे, अब लिख करके जाता तो बिगड़ जाता है, ये तालू है, तालम पानी है, भरोए तय रत्ता नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ देवेश और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस समय हम खड़े हुए हैं फरुखाबाद लोकसभा के अलीगंज विधानसभा के नगला सुभान गाँव में, जहाँ ग्रामीणों ने विकास न होने को लेकर के आक्रोशित होकर के मतदान का बहिष्कार कर दिया। सुबह मतदान शुरू होने तक अभी तक वोटिंग नहीं हुई थी, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने जब यह बात सुनी कि सुभान गांव में मतदान का बहिष्कार हुआ है, तो उन्होंने वहां पर आकर के ग्रामीणों से बातचीत की और उसके बाद आश्वासन दिया है। तो अभी हाल फिलहाल ग्रामीणों ने थोड़ा थोड़ा मतदान शुरू कर दिया, लेकिन हमारे पीछे जो है यहाँ के ग्रामीण खड़े हुए हैं, जो इस बात को लेकर आक्रोशित है कि विकास कार्य के जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। बात कर लेते हैं आखिरकार नाराजगी क्या है। क्या सर आपका? शेर सिंह जी, बहिष्कार वोटों का किया आपने, वजह बताइए। वजह यह है कि आगे चल के पानी भरा पूरे में, परेशानी है, कोई निकल नहीं पा रहा है। और विधायक हैं सतपाल सिंह, उनको 10 साल हो गए अभी तक गांव के अंदर नहीं आए। और जो कन्हैया है कठेरिया, वो भी नहीं इधर आया, बिल्कुल प्रधान वो भी नहीं आया देखने के लिए, इस वजह से किया। तो विकास जो है बिल्कुल नहीं हुआ या रह गया? बिल्कुल नहीं हुआ, 10 साल से बिल्कुल हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ, इतना पानी भरा है। और क्या क्या हैं जो विकास के नाम पर चीज़ें नहीं हुई हैं यहाँ पे? चीज़ें क्या, एक बरात घर है, आगे रोड है, ये खरंजा है, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोग बहिष्कार कर दिए थे? हाँ, इसी वजह से किया था। बिल्कुल, हमारे साथ युवा लोग भी हैं जो गांव के यूथ खड़ी हुई है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आखिर बात क्या है, नाम क्या है बेटा? अजंत पाल। अजेंद्र, क्यों बहिष्कार क्यों किया? सर आपने देखा होगा गाँव में, देखा हो कितना कीचड़ है, मलेरिया और डेंगू ये बीमारियां होती हैं कीचड़ की वजह से, इसके लिए बहिष्कार किया गया था, इस वजह से आक्रोशित थे। विकास जो वादे किए गए थे क्या पूरे नहीं किए नेताओं ने? जी, वादे पूरे नहीं किए गए, इसी लोग हम लोग आक्रोशित थे। फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने बात की, उससे आश्वासन दिया गया, इस वजह से हम लोगों ने स्टार्टिंग की वोटिंग। तो अभी अधिकारियों के आश्वासन के बाद आपने ये मतदान शुरू किया? वादा किया कि करवाएंगे, इस वजह से हम लोगों ने फिर स्टार्टिंग किया गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, काफ़ी ग्रामीण जमा हुए हैं जो नाराज़ हैं, महिलाएं भी हैं हमारे साथ, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। अम्मा जी, क्या नाम क्या है आपका? हमारा रामश्री। नाराज हो, वोटिंग नहीं कर रही हो? डर रही है। अभी डाला है, बहिष्कार किया था वोट? अभी नहीं डरू, डरने जाइए, अभी जाऊंगी। तो बहिष्कार किया था गांव में वोट का? वोट जय लला जय खरंजा है जो डरे, हमारे बड़े बूढ़े भी अंधे बैठे हैंगे, अब लिख करके जाता तो बिगड़ जाता है, ये तालू है, तालम पानी है, भरोए तय रत्ता नहीं है, लिखकर नकेले खेता पने आएंगे तो भी जाता गिर पत्ता है जाके, तो उनको कोई दिखात बात तो है ही ना लला। साता तो जय है, गली में जाओ अपने जा सकता है, तो बिना की साधना कोई जलो साधना कोई होगी तो बिना ले जा नहीं सकता है, बड़े बूढ़े हमारे घर बैठे लला अंधे धुंधे है, और लड़का घुमा हुआ है सुबह का लगा मैं। तो कोई विकास काम नहीं हुआ गांव में? हाँ जाए जाए है, तो ये और देखो घर पंचायतें बरातें आती हैं, जालंग वालंग फिरती हैं ढूंढती। अच्छा, ग्राम पंचायत बरात घर नहीं बनाया? हाँ नहीं बनो है। अच्छा, तो गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ है? हाँ कशना भाऊ, इसी बात से आप लोग नाराज हैं? हाँ सब जाई पे आती। तो अब अधिकारियों ने क्या कहा है? अब भैया बगावत जय ती जानता लला जी, बिल्कुल जिस प्रकार से जो गांव वालों को राजनेताओं ने जनप्रतिनिधियों से जो वादे किए थे विकास के, वो विकास के वादे कहीं ना कहीं सिर्फ हवाई और कागजी रह गए, और धरातल पर जो विकास कार्य था वो नहीं के बराबर था, जिसकी वजह से जो ग्रामीण थे गांव के वो आक्रोशित होकर उन्होंने एक तरीके से पूरे गांव ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इस समय अभी जो है 1 बजा हुआ है, 1 बजे तक गांव का एक भी व्यक्ति वोट डालने नहीं गया। जब यह सूचना प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच गई तो उनके हाथ पांव फूल गए और वो आनंद फानंद में गांव में आके गिड़गिड़ा के और गांव वालों से मान मनुहार करके आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद वो इस गांव के विकास का के लिए ज़रूर ध्यान देंगे, विकास कराएंगे, तब कहीं जाकर ग्रामीण वोट डालने के लिए राजी हुए हैं।
देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।